डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य आयोजक डॉक्टर जयदीप और मैं। ये कॉन्फ्रेंस इंडियन सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑब्सगाइनी, स्त्री रोग विशेषज्ञों में कहाँ अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है उसके ऊपर करी जा रही है। हर दो साल में हिंदुस्तान में होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय इसकी सोसाइटी है ISWOG, उसके एंडोर्समेंट में होती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ अमेरिका से, लंदन से, इसराइल से डॉक्टर करीना और बेल्जियम से डॉक्टर टिमरमैन, ये लोग सब आए हुए हैं। और जो डेलीगेट्स हैं वो अफगानिस्तान से 15, नेपाल से 10 और जगह जगह से ये सीखने आते हैं हमारे देश में, जिसके लिए हम लोग को बहुत गर्व होता है। सो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए स्टेथोस्कोप है। स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए, जैसे फिजिशियन को दिल देखने के लिए कान में स्टेथोस्कोप लगा के देखना पड़ता है, ऐसे स्त्री रोग विशेषज्ञों को जब पेट के अंदर देखना है बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, बच्चे की धड़कन सही है कि नहीं, बच्चा सही सरल में बढ़ रहा है, या जब उनको ब्लीडिंग की समस्या होती है तो कोई रसौली बन रही है क्या, एक मिनट अगर पेट पर अल्ट्रासाउंड रखेगा तो सब साफ हो जाता है इमेज। और रंगीन अल्ट्रासाउंड डालेगा तो उसमें कितना खून जा रहा है, 3D अल्ट्रासाउंड डालेंगे तो बिल्कुल 3D पिक्चर दिखेगी जो एडवांसेस में है। सो ये ऐसी मोडेलिटी है जिसका इस्तेमाल सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों को करना चाहिए स्टेथोस्कोप की तरह। विडंबना ये है कि इसमें, इस मशीन से लिंग परीक्षण भी हो सकता है क्योंकि दिखता है सब कुछ, तो वो लिंग परीक्षण और हमारे देश की मानसिकता देखते हुए, पब्लिक की मानसिकता देखते हुए और मेल चाइल्ड को देखते हुए कि वही चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, वो देखते हुए इस पर बहुत सख्त कानून बना हुआ है। सो एक मशीन जो कि किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, रात को 2 बजे अगर मरीज आती है, खूब ब्लीडिंग हो रही है, 7 महीने का बच्चा गर्भ में है, तो मेरे को अगर उसका धड़कन देखनी है, ऑपरेशन करना है कि नहीं देखना, एक मिनट में मैं अल्ट्रासाउंड से देख लेता, पर वो एक मिनट के लिए मेरे को लंबे फॉर्म भरने पड़ते हैं, सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसमें कम से कम आधा घंटा ख़राब हो जाता है, तो मेरी डायग्नोसिस डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं लिंग परीक्षण कर सकता हूँ। अरे भाई, लिंग परीक्षण और वो 3 महीने से पहले तो ठीक है, 3 महीने से पहले तो कोई देख ही नहीं सकता, 3 माह से 5 महीने पे आपने, हमारा अबॉर्शन कानून ही ऐसा है कि सब अलाउ करता है जो अबॉर्शन कराना, तो इसकी समस्या कानून नहीं है जो हम चाहते हैं लिंग परीक्षण की, ये समस्या सामाजिक है। इसमें हमारे समाज को समझना है कि लड़की और लड़का एक बराबर है, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा कि है, वो हमारी संस्था फॉक्सी ने ही 2008 में, अगर आपको पता है, तब ये स्लोगन दिया था, जो आज की सरकार इसको आगे ले जा रही है। और अब हम आज रात में इसको नया स्लोगन देने वाले हैं, बेटी पढ़ तो गई, अब गांव-गांव में सब बेटियां देखिए आप पढ़ रही हैं, पर अभी बेटी बची नहीं है। सो अब हमारा नया स्लोगन होगा, बेटी बचाओ बेटा समझाओ। सो अब जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बेटियों पर नहीं है, बेटों पर है, अगर वो समझेंगे और बेटी को अपने बराबर मानेंगे तभी ये समाज सुधरेगा, तभी समाज बदलेगा, तभी लिंग परीक्षण हटेगा। और इसमें डॉक्टर्स, मशीन को जेल में बंद करना, फॉर्म नहीं भरना, ये हम मानते हैं कि बहुत गलत काम है। सरकार को इस पर बहुत सोचना चाहिए कि ये सामाजिक समस्या को सामाजिक लिए डील करें, कानून नहीं इसको रोक सकता।